एक नया ब्रांड जूस ये जी मैंने ओपन कर लिया है, तो ये आप स्टिकर कहीं पे भी लगा सकते हैं। दिस ऑल्सो स्टिकर, लोगो और डिज़ाइन फिलॉसफी है। खुशगवार सरप्राइज़ मिला जब मैंने पूरा पैकेज देखा, वो पैकेज डील देखी जिस। अच्छा जी, सो व्हाट आईव डन इज़ के मैंने इन जूसेस को लाइनअप कर लिया है बेस ऑन माय पर्सनल लाइकिंग। ओए होए होए होए, वाह, बहुत ही नेचुरल, रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा तुर्श, लीची का बहुत ही नेचुरल फ्लेवर है इसके अंदर। गुड यार, फ्लेवर्स बहुत जानदार बनाए भाई। आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब हियर, लेकिन द चैलेंज जैसे मैंने कहा ज़बरदस्त है। इसको नेचुरल बनाने के लिए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज जनाब मैं आपके सामने रिव्यू करूँगा, एक नया ब्रांड आया है जिसका नाम है जूस। ये जी इसका बॉक्स पैक है, जूस स्मॉल इन साइज बिग इन फ्लेवर, और ब्रेक द हीट का हैशटैग है, और जूस। सो ये इनका लोगो है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। चलें जी, ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये जी मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर इनका एक वेलकम नोट है। जूस, वी आर ड्रिवन बाय पैशन एंड परसिस्टेंस। वी आर प्राउड टू प्रेजेंट यू पाकिस्तान फर्स्ट एवर पोर्टेबल लिक्विड इन्हेंसर। डेल्व इनटू आवर रेंज ऑफ एक्सॉटिक फ्लेवर्स एंड मेक योर ब्लॉन्ड ड्रिंक्स समथिंग रेड एंड कलरफुल। लेट्स चेंज द टर्म्स ऑफ कूल टू समथिंग इनक्रेडिबल, समथिंग लेजेंडरी। सो जूस, लेट अस बी द फर्स्ट टू वेलकम यू टू द जूस कल्चर। ओपन द लिड, स्क्विश स्क्विश, दैट्स इट। सो ये इनकी फिलॉसफी है। और जनाब ये इसके अंदर आपको इन्होंने बड़े, जो इनका डिज़ाइन इनका जो है वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का है, बड़ा खूबसूरत सा है। और ब्रेक द हीट का हैशटैग है, दिस इज स्टिकर, तो ये आप स्टिकर कहीं पे भी लगा सकते हैं जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस हो। और ये जूस का लोगो, इसके जो एस की जो टेल है उसमें देखें, दिस समथिंग गोइंग ऑन देयर। बड़ा अच्छा स्लीक, सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन बनाया है जूस, JUSS, दिस ऑल्सो स्टिकर। और फिर इस पे तो हम आते हैं, द रियल डील इज़ दिस। बट जो पैकेज है उसको आप देखें पहले, ये एक बड़ी प्यारी सी इन्होंने, एंड लुक एट द कलर, माशाल्लाह, बहुत ही ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स हैं। और शर्ट पे इन्होंने अपना पूरा जो लोगो और डिज़ाइन फिलॉसफी है वो पूरी इन्होंने बनाई है। मटेरियल अच्छा है, स्पोर्टी फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है, और अच्छी शर्ट है, काफ़ी फंकी, ब्राइट कलर्स। तो ये भी आपको इसमें, इस पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। और जनाब फिर ये आ गए इनके जूसेस। सो दिस इज पियर, और पियर बना हुआ है, और इसमें जो है मेक्स 30 सर्विंग्स। और ये बकिया इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स एंड डिटेल्स एंड व्हाट नॉट। पियर फ्लेवर है। फिर जनाब इनका पोमेग्रेनेट, और जनाब लीची,
और जना ग्रीन एप्पल और पीच, फ्लेवर इनके बड़े शानदार हैं, स्ट्रॉबेरी। तो ये छह फ्लेवर से। अच्छा बाय द वे, जब मैं इनको ऑर्डर कर रहा था तो ये सो ईच वन ऑफ द पैक कॉस्ट यू 250। 250 का ये एक पैक है जिसमें 30 सर्विंग्स हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज बना के देंगे। तो मैंने इनके तमाम फ्लेवर्स एक एक ऑर्डर किए थे, इनके पास छह फ्लेवर्स थे। लेकिन मुझे एक बहुत ही खुशगवार सरप्राइज़ मिला जब मैंने पूरा पैकेज देखा, वो पैकेज डील देखी, जिसके अंदर ये एक बड़ा अच्छा सा वेलकमिंग नोट और दो बड़े प्यारे से स्टिकर्स और एक ज़बरदस्त किस्म की शर्ट, और फिर सारा पैकेज इस तरीके से आया। तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन इसकी सब की है, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स को इन्होंने इस तरीके से पैकेज करके दिया है। तो अभी तो इनको जूस को टेस्ट करने से पहले ही इनके जो मार्क्स हैं वो फुल हो गए। आई एम होपफुल कि ये फ्लेवर में भी इतना ही मज़े का होगा। लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी। अच्छा जी, सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने इन जूसेस को लाइन अप कर लिया है बेस ऑन माय पर्सनल लाइकिंग। मुझे ग्रीन एप्पल वन ऑफ माय फेवरेट, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू ट्राई, एंड देन पीच मेरा सेकंड फेवरेट, एंड देन लीची थर्ड फेवरेट, फिर हम ट्राई करेंगे स्ट्रॉबेरी, फिर पियर, एंड फाइनली पोमेग्रेनेट। तो बहुत सारी ट्राइज करने हैं, तो चलें लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1/3 ग्लास जो है वो फिलअप कर लिया है। दिस ग्लास इज़ क्लोज टू 250 ml, तो 1/3 आप कर लें तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 80 से 24, 80-90 ml कोल्ड वाटर। और इसके अंदर हम डालते हैं क्यूब्स, ये मैंने इसमें दो क्यूब्स, जॉइंट क्यूब्स जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसके अंदर डालते हैं जूस लिक्विड इन्हेंसर। ये 30 सर्विंग कह रहे हैं, आप इमेजिन इस बॉटल में 30 सर्विंग है, तो उसके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मुझे कितना एक सर्विंग के हिसाब से इसमें डालना चाहिए। इसमें ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है कि इन्होंने इसकी जो ऊपर की लिड है, एक तो उसको कवर किया हुआ है इस स्टिकर से। तो ये स्टिकर जब आप इसका निकालेंगे तो इवन देन ये खुलेगा नहीं, क्योंकि ये जो इसका पूरा कवर है, इसने इसकी लिड को भी कवर किया हुआ है, तो अच्छा माशाल्लाह से टाइटली क्लोज है। तो आपको यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा। ये देखें, ये अब मैंने इसके जो पूरा सराउंड था ये मैंने इसकी पैकिंग खोली है। तो अब जो है यू कैन सी कि यहाँ पे इसके ये ओपनिंग लिड मौजूद है, जिसको आप यहाँ से ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। बड़ी ही शानदार ग्रीन एप्पल की खुशबू आई है। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब इसको इसमें ड्रिप करते हैं। स्क्विश, उप्स, स्क्विश, स्क्विश, दो दफ़ा उन्होंने कहा था, मैंने चूंकि बाहर भी गिरा दिया है तो मैंने 3 दफ़ा इसको स्क्विश किया है। कलर आप देखें इसका, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही फ्रेश ग्रीन एप्पल खुशबू आ रही है। चलिए ट्राई करते हैं इसको, कलर चेक करें ज़रा। ओए होए होए होए, वाह, बहुत ही मज़े का कलर फ्लेवर है यार। और आई थिंक मैंने जो क्वांटिटी डाली है इट्स जस्ट अबाउट राइट फॉर 1/3 ग्लास ऑफ वाटर था। उसमें मैंने दो क्यूब्स डाले और उसमें मैंने आपके सामने दो दफ़ा स्विच किया, एक मेरा स्विच जो है वो यहाँ ज़ाया हो गया, लेकिन चलें आप लोग की खातिर जो है वो मैंने किया था ये। तो
तो जबरदस्त है यार, माशाल्लाह बेहतरीन। बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है इसका। एंड इमेजिन के दिस इज़ ऑल ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कैलोरी। तो वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, जो अपना कैलोरी कंट्रोल करते हैं, इनटेक की दिन भर जो कैलोरी इनटेक है उसको कंट्रोल करते हैं, डाइट प्लान के ऊपर हैं, या वैसे ही हेल्दी लिविंग और हेल्दी डाइट जो है वो उसको प्रेफर करते हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनके लिए बेहतरीन जो है वो मशरूम है। वाह, मज़ा आ गया। चलिए बाकी फ्लेवर ट्राई करते हैं। हेयर कम्स द पीच वन। बिस्मिल्लाह, अब ज़रा एहतियात से स्क्विश करूँगा। वाओ, लुक एट द कलर। मेरे ख्याल में मैंने इसको ज़्यादा स्क्वीश कर दिया, तो इधर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बन गया। बट आप कलर चेक करें इसका। कलर देखेंगे, ओए होए 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 होए, क्या फ्लेवर है। वाह, बहुत ही नेचुरल, रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है यार ये। इनके दोनों फ्लेवर एप्पल और पीच जो मेरे मोस्ट फेवरेट फ्लेवर्स हैं, बहुत ही फ्रेश फ्लेवर्स हैं, और कलर्स जो हैं वो इन्होंने बड़े अच्छे वाइब्रेंट लिए हैं। एंड रिमेंबर, नो शुगर, नो कैलोरी। बेहतरीन पीच, ज़बरदस्त है। ग्रीन एप्पल एंड पीच, टू डाउन, फोर मोर टू गो। अब स्टार्ट करते हैं लीची से। अच्छा, दिस टाइम आई नोटिस के आपको ये वाला जो इसकी पैकिंग है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बग़ैर उसके भी ये लिड ओपन हो जाएगी, तो दिस इज़ गुड। बाकियों को मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया था, बट यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दैट। तो चलिए जी, इसको स्क्विश स्क्विश करते हैं। बिस्मिल्लाह, वन टू। लीची, इन्होंने इसका वाइट कलर, चलें इसको ज़रा मिक्स करें। और अब इसको ट्राई करें। हाँ, ज़बरदस्त मीठा, थोड़ा सा तुर्श, लीची का बहुत ही नेचुरल फ्लेवर है इसके अंदर। वाओ यार, बहुत आला, बेहतरीन है। चलें, लेट्स क्विकली डू द रेस्ट ऑफ द थ्री। नाउ स्ट्रॉबेरी, ओपन द लिड। बिस्मिल्लाह, वन स्क्विश, टू स्क्विश, एंड इसको हम थोड़ा सा स्टिरअप कर लें। ओहो, कलर चेक करें अंदर। इसको मैं वाइट बेस पर लाता हूँ, क्योंकि ट्रे का कलर भी रेड है, तो थोड़ा सा कलर मैं आपको, ये कलर चेक करें।
ये कलर चेक करें, बड़ा खूबसूरत पिंक कलर है, रोज पिंक टाइप। बिस्मिल्लाह करते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी की जो नेचुरल तुरशी है वो है इसके अंदर। गुड यार, फ्लेवर्स बहुत जानदार बनाए भाई, बड़े क्लोज टू नेचुरल फ्लेवर, खुशबू और जायका और कलर सब बेहतरीन, गुड है। नेक्स्ट इज पियर नाशपाती। बिस्मिल्लाह करते हैं। वन टू, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका कलर जो है वो ऑरेंज होगा। लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हम स्टिरअप कर लें और लेट्स ट्राई दिस वन। अच्छा, दिस इज़ नॉट ऑरेंज, ये येलोइश कलर इन्होंने चूज़ किया है इसके लिए। पेयर का जायका जो है वो बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप नाशपाती जो है वो खाएं तो उसका बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा ज़रा घुमाना फिराना पड़ेगा इसको अपनी टेस्ट बड्स को रिकग्नाइज करने के लिए। बट नेचुरली पेयर फ्लेवर इज स्टिल इन इटसेल्फ वेरी ट्रिकी टू रिप्रोड्यूस। आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब हियर, लेकिन द चैलेंज जैसे मैंने कहा कि वो इसके नाशपाती का अपना नेचुरल फ्लेवर को रिप्रोड्यूस करने का है, इसका फ्लेवर जो है वो इतना क्विकली रिकग्नाइजेबल नहीं होता, लेकिन अच्छा है एंड सी येलो कलर। ओके जी, लास्टली पोमेग्रेनेट, तो इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, वन स्क्विश टू स्क्विश। ओके जी, और इसको हम स्टिरअप कर लें। इसका कलर मैं ज़रा इधर लाऊं तो आपको अंदर, ओ वाह 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 वाह, ये जो कंधारियाँ अनार जो है उसका लाइट कलर इन्होंने लिया, बिल्कुल लाइट पिंकिश कलर। मतलब ये कंधारी अनार का तो बहुत डार्क होता है, लेकिन इन्होंने लाइट पिंक शेड दिया है, क्योंकि आई थिंक जो डार्क पिंक शेड है वो स्ट्रॉबेरी और एक्वायर कर लिया होगा, तो कलर खूबसूरत है। बिस्मिल्लाह, अच्छा जी, इसमें जो अनार की थोड़ी सी जो खटास होती है वो भी है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसको स्क्विश जो है ना वो कम किया है, और ये मेरे, ये देखें, ये मेरे हाथ पे भी, उंगली पे भी लग गया है और ये चमचे पे भी लग गया है, बट थोड़ा सा एक स्क्विश और कर लेना है इसको, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा कम आ रहा है। ज़बरदस्त है। इसको नेचुरल बनाने के लिए इन्होंने जो अनार का छिलके का जो थोड़ा बहुत टेस्ट है वो भी इसके अंदर मैं फील कर रहा हूँ। इट्स गुड, बट आई थिंक यहाँ शायद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है।
दैट्स इट। ये सारे फ्लेवर मैंने आपके सामने ट्राई किए। द बेस्ट वंस आर ग्रीन एप्पल, पीच एंड लीची। एंड देन आई थिंक जिस ऑर्डर में मैंने रखा है, इत्तेफाक ऐसा है कि ये, या आप ये कहें कि मेरा जो, चूँकि मेरी अपनी पर्सनल लाइकिंग इन फ्लेवर्स की ऐसी है, तो उसी हिसाब से इनकी जो है वो रेटिंग्स हैं। मुझे शायद ये फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसी हिसाब से जो है ये इनका टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई आउट करें। और वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ये नो शुगर और ज़ीरो कैलोरी प्रोडक्ट है, बहुत मज़े की है। दी ओवर द यानी ओवर द टाइम जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे इसका क्लियर अंदाज़ा होगा कि ये जो एक पैकेट के अंदर जो कंटेंट है, इज़ इट रियली सर्विंग 30 सर्विंग्स और नॉट। तो ये एक चीज़ है जो यूज़ के साथ साथ पता चली, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने ऑलमोस्ट कहीं हाफ अ ग्लास और कहीं अ लिटिल लेस और लिटिल मोर वो मैंने लिया, लेकिन अब जब फुल ग्लास सर्विंग मैं इसमें बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि एक अच्छी अच्छा जायका जो है वो उसके लिए कितना कंटेंट मुझे लेना होगा और ये कितनी सर्विंग कर पाएगा। तो होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं शेयर करूँगा, बट माशाल्लाह से वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट इट्सेल्फ, विद द डिज़ाइन, विद द फ्लेवर्स। जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, माशाल्लाह इट्स वेरी गुड। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो है वो उसको ज़रूर ट्राई आउट करें। बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, लाहौर में एक कंपनी मौजूद है और वहीं से इन्होंने डिलीवर करवाया था। टोटल 250 का ये एक पैक है, टोटल ये 1500 के बने थे। तो ये मैंने ऑनलाइन जो है वो इनको ऑर्डर प्लेस किया था इनकी वेबसाइट से, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल थी। ईद की छुट्टियों से पहले किया था, तो ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद ही मुझे डिलीवर हो गया। आई थिंक इट टुक जस्ट वन डे, सो विद इन वन डे ये मेरे पास यहाँ कराची में आ गया था, मुझे घर पे डिलीवर हो गया था। सो हैट्स ऑफ टू जूस गाइस, इट्स ग्रेट प्रोडक्ट एंड होपफुली वील सी मोर इम्प्रूवमेंट्स एंड मोर प्रोडक्ट फ्रॉम यू।